ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत थाना मनबसा क्षेत्र के अंतर्गत 5 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। साथ ही व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। चंपावत जिले में शुरू होगी गॉट वैली व पोल्ट्री वैली योजना और पशुपालकों को मिलेगा लाभ। साथ ही सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि यहां के लोग पशुपालन की अपेक्षा रखते हैं, जिसके लिए यहां जल्द से जल्द गॉट वैली की जाएगी शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत सरकार द्वारा मोटे अनाज मंडवा के प्रोक्योरमेंट की अनुमति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत सरकार का किया आभार व्यक्त। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार द्वारा मोटे अनाज के प्रोक्योरमेंट की अनुमति मिलने से राज्य में उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुशासन सप्ताह के तहत चंपावत भ्रमण पर आए कृषि एवं सहकारिता सचिव डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने लोहाघाट स्थित ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण कर वहां बनने वाले लौह उत्पाद एवं उत्पादों के विक्रय के बारे में ली जानकारी। साथ ही उन्होंने ग्रोथ सेंटर के विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व खेल मंत्री रेखा आर्य ने झंडारोहण कर खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। रुक करते हैं मौसम की तरफ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 48 घंटों में बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। साथ ही पर्वतीय इलाकों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब।